वेलकम टू द चैनल फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा O2 सेंसर की वजह से आने वाले चेक इंजन लाइट या मैल फंक्शन लाइट के बारे में। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा क्योंकि मैं बताऊंगा कि किन किन वजहों से ये लाइट आती है और इसका क्या एक सॉल्यूशन है जिसको करके आप इस मैल फंक्शन लाइट से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि बेसिकली O2 सेंसर होता कैसे है और कहाँ इंजन में लगा हुआ होता है। ये एक O2 सेंसर है, ये नीचे इसके कैटालिटिक कन्वर्टर है। किसी गाड़ी में कन्वर्टर इंजन के पीछे होता है, किसी में इंजन के आगे होता है। ये जो ग्रीन वायर आप देख रहे हैं जो जा रही है नीचे, ये जा रही है सेकेंडरी O2 सेंसर में। तो मतलब ये है कि एक O2 सेंसर कैटालिटिक कन्वर्टर से पहले है, एक कैटालिटिक कन्वर्टर के बाद है। तो जैसे कि आपने देखा कि दो O2 सेंसर हैं, एक कैटालिटिक कन्वर्टर से पहले, एक कैटालिटिक कन्वर्टर के बाद। तो जो पहले वाला O2 सेंसर है उसका काम है ECM को सिग्नल भेजना कि किस तरह का फ्यूल और एयर रेशो उसे गाड़ी को देना है डिफरेंट स्पीड पे, डिफरेंट लोड कंडीशंस पे। और जो हमारा दूसरा O2 सेंसर है उसका ये काम है ये बताना कि जो हमारा कैटालिटिक कन्वर्टर है वो ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। कैटालिटिक कन्वर्टर का बेसिकली काम होता है जो हार्मफुल गैसेस इंजन में से निकलती है उन्हें रोकना। तो होता क्या है कि गाड़ी ज़्यादा पुरानी हो जाए तो ये कैटालिटिक कन्वर्टर थोड़ा वीक हो जाता है, जिसकी वजह से O2 सेंसर को गलत सिग्नल्स मिलने लग जाते हैं, गलत रीडिंग्स मिलने लग जाती हैं और वो ECM को सिग्नल देता है कि भाई गाड़ी में कुछ गड़बड़ है और कुछ ख़राबी है और चेक इंजन लाइट आ जाता है। दूसरी एक वजह है कि जैसे CNG लगाते हैं, तो CNG लगाने से भी क्या है, फ्यूल अलग किस्म का है तो जो रीडिंग्स हैं वो चेंज हो जाती हैं। तो O2 सेंसर अलग रीडिंग कैच करता है और वो फिर दोबारा से मैल फंक्शन आपका सिग्नल देता है ECM को और चेक इंजन लाइट आ जाती है। अब इसका क्या सॉल्यूशन है? अब जिन लोगों को कुछ नहीं पता, कोई नॉलेज नहीं है, वो क्या करेंगे, वो मैकेनिक के पास जाएंगे, वो स्कैनिंग करेगा, स्कैनिंग में बताएगा कि भाई आपकी ये प्रॉब्लम है, आपका कैटालिटिक कन्वर्टर ख़राब है, आप इसे बदलवा लो। अब कैटालिटिक कन्वर्टर आता है बहुत महंगा, और या फिर वो बोलेगा कि आप कि चेक इंजन लाइट आन दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता और आप चलने दो गाड़ी। बट चेक इंजन लाइट अगर आपकी गाड़ी में आ रही है तो आप उसके यूज़ टू हो गए हो कि भाई चेक इंजन लाइट आ रही है। अब अगर आपकी गाड़ी में कोई और ख़राबी आ रही है और आपका ECM या कोई और सेंसर उसे सिग्नल देना चाह रहा है कि भाई गाड़ी में कुछ ख़राबी है, पर आपको तो पता ही नहीं चलेगा क्योंकि आपको तो आदत है चेक इंजन लाइट ऑन रखने की। तो बेसिकली आप जब स्कैनिंग वाले के पास जाओगे वो एक बार स्कैन करेगा और वो उस एरर को मिटा देगा। आप 50, 60, 70 किलोमीटर चलाओगे वो एरर लाइट फिर आ जाएगी। अब आप सोचोगे यार ये क्या परेशानी, आप फिर जाओगे तो दो तीन बार तो आपको एंटरटेन करेगा आपका मैकेनिक, तीसरी चौथी बार वो आपको एंटरटेन नहीं करेगा ठीक से। तो आप या तो आप कैटालिटिक कन्वर्टर बदलवाओ, जो कि मेरे हिसाब से तो ज़रूरी नहीं है क्योंकि इतना बड़ा कोई उसका रोल नहीं है कि आपकी गाड़ी ख़राब चल रही है, बट हाँ इंजन लाइट आ रही है। अब आप कैसे सॉल्व करोगे इस इशू को? तो ये एक O2 सेंसर स्पेसर आता है बेसिकली। ये इसका काम क्या है, ये जो O2 सेंसर है उसको जो उसकी लोकेशन है उससे थोड़ा सा पीछे कर देता है। जैसे O2 सेंसर की लोकेशन ये है बेसिकली, तो और गैसेज आ रही हैं ठीक है, और वो यहाँ से सेंस कर रहा है, तो वो क्या कर, ये क्या करेगा, इसको पीछे कर देगा, जिससे कि क्या है जो डायरेक्ट उस पर गैसेस पड़ रही हैं वो डायरेक्टली नहीं पड़ेंगी और उसको वो बेसिकली वो ECM को सिग्नल भेजेगा कि हाँ सब कुछ ठीक है। हम बेसिकली O2 सेंसर को कन्फ्यूज़ कर देते हैं। तो आप ये अगर ये पार्ट इस तरह से दिखता है, अगर आप ये पार्ट लगाते हैं तो क्या होता है, एक तो आपने उसको कन्फ्यूज़ कर दिया, अगर एक ही बार में लगाया आपने और आपका काम हो गया तो वेल एंड गुड, वरना क्या होता है इसमें दूसरा एक और कोड जनरेट होगा। ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ ताकि अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम आए तो आप क्या सॉल्यूशन निकाल सकें। एक और कोड जरूर जनरेट होगा P0139। उसका मतलब क्या होता है कि आपका जो O2 सेंसर है वो वीक है, स्लो काम कर रहा है। अब आप सोचोगे कि भैया ये तो मैंने सॉल्यूशन के लिए लगाया था, ये तो नया कोड आ गया, पहले कोड आ रहा था आपका कैटालिटिक कन्वर्टर आपका एफिशिएंटली काम नहीं कर रहा था, उसका था P0420, अब आएगा P0139। अब इस कोड को कैसे हटाना है कि आपका O2 सेंसर स्लो काम कर रहा है, आपको क्या करना है,
इसमें जो ये होल है ना, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए ड्रिल मशीन से, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए। अगर आपके पास ड्रिल नहीं है तो आप कहीं बाहर से खैरात वगैरह की शॉप से करवा सकते हो। अब आप इसे वापस लगा दीजिएगा, मोस्ट प्रॉबली आपका सॉल्यूशन निकल जाएगा, आपका सब कुछ ओके हो जाएगा। पर बाई चांस, क्योंकि ये मेरे साथ हुआ है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, आपका दोबारा कोड आएगा P0420 50-60 किलोमीटर चलाने के बाद, मतलब कि आपका कैटालिटिक कन्वर्टर वीक है, सही से काम नहीं कर रहा, एफिशिएंटली काम कर रहा है। आप बोलोगे यार ये तो सॉल्यूशन नहीं निकला। अब आपको क्या करना है, किसी आप साइलेंसर वाले के पास जाइए, उसको आप बोलिएगा मुझे थोड़ी सी ग्लास वूल दे दे। वो आपको ग्लास वूल देगा, बट आप ग्लास वूल को हाथ मत लगाइएगा, वो उसमें कांच होता है तो हाथ कट सकता है। आप प्लास की मदद से या स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसमें, इसके अंदर थोड़ा सा इतना सा ग्लास वूल भर दीजिए, अच्छे से भर दीजिए। पूरा ठूसना नहीं है कि आप इसको यहाँ तक फुल कर दो, बस थोड़ा सा इतना सा भरना है। वो करने के बाद आप इसको वापस लगा दीजिए। तो अब क्या होगा कि जो ग्लास वूल आपने डाला है उससे जो है जो गैसेस हैं वो छन छन के अंदर जाएंगी और O2 सेंसर को वो रीडिंग मिलेगी जो सही है उसकी नज़र में, और वो ECM को सिग्नल भेजेगा कि भाई सब कुछ ओके है। तो ये पार्ट आप मैंने बेसिकली ये पार्ट अली एक्सप्रेस से ख़रीदा था, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो ये पार्ट आप लेके आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। ज़्यादातर चांस ये है कि आपके लगाते ही बिना कुछ ऑल्टरेशन करे ये लगते ही अपना काम कर देगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, बट बाई चांस ना हो तो मैंने आपको बता दिया आपको क्या करना है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी, इस वीडियो को लाइक करिए, इसे शेयर करिए ताकि कोई और भी अगर इस प्रॉब्लम को फेस कर रहा हो तो उसे सॉल्यूशन मिल सके। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि मैं ऐसी प्रॉब्लम से रिलेटेड और वीडियोस बनाता रहता हूँ और बना चुका हूँ पहले भी, और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको मेरी बनाई हुई ये जो मैं आपको टिप्स देता हूँ ये आपको जल्द से जल्द मिल सके, और अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व फेस कर रहे हैं तो वो आप सॉल्व कर सकें। और अगर आप क्योंकि दिमाग में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, मैं आपके इश्यूज़ को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा।